नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ठाकुर अमनदीप सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि यमुनानगर से है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता निर्मल सिंह ने गोलियां चलाई हैं। पंचायती जमीन विवाद को लेकर ये गोलियां चली हैं, यमुनानगर से बड़ी खबर है। और पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता हैं चौधरी निर्मल सिंह, जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। इन पर आरोप लगे हैं गोलियां चलाने के। और आपको ये भी बता दें कि ये पंचायती जमीन को लेकर के ये विवाद चल रहा था, जिसके कारण निर्मल सिंह ने गोलियां चलाई। पूर्व मंत्री रहे हैं और कांग्रेस के नेता हैं चौधरी निर्मल सिंह, और पंचायती जमीन से निकल रहे रास्ते को ठीक कर रहे थे कुछ युवक, जिन पर कि गोलियां चलाई गई। और मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। चलती गोलियों के बीच गोलियों की बरसात हो रही थी। फायरिंग में जो युवक था वो बाल बाल बच गया, गनीमत रही। और फायरिंग के बाद पूर्व मंत्री समेत सभी जो लोग हैं वो फरार हैं, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। और पुलिस ने निर्मल सिंह समेत 11 लोगों के खिलाफ जो है केस दर्ज कर लिया है। और बेलगढ़ माइनिंग जोन की ये सारी घटना बताई जा रही है। तो यमुनानगर से बड़ी खबर है, पंचायती जमीन विवाद को लेकर गोलियां चलने की खबर सामने आई है। और गोलियां चलाने वाला कोई और नहीं, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता चौधरी निर्मल सिंह हैं, जिन्होंने गोलियां चलाई। और साथ ही पंचायती जमीन से निकल रहे रास्ते को ठीक कर रहे थे युवक, जिस पर कि गोलियां चलाई गई निर्मल सिंह की तरफ से। और साथ ही मौके पर मौजूद सभी लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान को बचाया। फायरिंग में जो युवक था जो रास्ता ठीक कर रहा था वो बाल बाल बचा है। और निर्मल सिंह समेत सभी जो लोग थे मौके पर वो फरार हो गए। निर्मल सिंह के जो साथी थे सभी फरार हैं, और 11 लोगों के खिलाफ निर्मल सिंह के समेत मामला दर्ज कर लिया गया है।